फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। निफ्टी के करेक्शन के साथ साथ फेडरल बैंक के स्टॉक में भी हमने करेक्शन देखा। ये 100 के लेवल के नीचे आया, 90 के नीचे आया एंड आज ये 90 के ऊपर का ब्रेकआउट देने की तरफ मूव कर रहा है। स्टॉक एट द मोमेंट ऑलमोस्ट 90 के करीब है एंड 3.27% ऊपर है। सबसे बेहतरीन कंपनी है इन द मिड कैप बैंकिंग सेक्टर क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट के सभी दिग्गज मानते हैं ये स्टॉक नॉट ओनली 120 150 तक भी जाएगा, मेरा भी ऐसा ही मानना है। सो ये बहुत ही अच्छा डिप्स आपको मिला है, तो एक्युमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। अगर इसका 52 की साइड देखें 107.52 इसका 57.65, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है 10.52 ऑलरेडी और मार्केट कैप ऑलमोस्ट 19,000 करीब है। अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वो आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एमएफआई में ये बहुत ओवरसोल्ड है, 16.3 का स्कोर है। सो ऑब्वियसली इसमें शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी था, लास्ट शॉर्ट कवरिंग आया भी। आरएसआई में इसका 31.6, यानी बोथ दिस एस्पेक्ट स्टॉक इज वेरी वेरी ओवरसोल्ड। अगर रिटर्न देखें 1 वीक का रिटर्न 2% नेगेटिव है, 1 मंथ का नेगेटिव 8%, 3 मंथ का 15% पॉजिटिव, 6 मंथ का फ्लैट एंड 1 ईयर का 42, जहां पे 107 का हाई है, 57.6 का लो है। अगर 1 वीक का रिटर्न देखें तो 85 तक ये स्टॉक गया था, सो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू एक्युमुलेट। अभी भी 90 है, बहुत ऊपर स्टॉक नहीं गया, सो आप अभी भी बाई कर सकते हो अगर आपका हॉराइजन लॉन्गर हो तो। 80 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, यानी बॉटम जो है बहुत नीचे नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो रेजिस्टेंस क्या है 90, 93, दीज आर द रेजिस्टेंस, उसके बाद 95 एंड 100। अगर सपोर्ट क्या पे, सपोर्ट है 85 एंड 80, दीज आर द बिग सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 85 से ही लास्ट टाइम स्टॉक ने मूव दिया था एंड उसके बाद आता है 70, 80 का एक बड़ा सपोर्ट। सो डेफिनेटली ये आपका स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। अगर हम इसका 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल मूविंग एवरेज देखें, सो डेफिनेटली एट दैट मोमेंट स्टॉक अपने 100 डे से सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जो कि 90 है। तो 90 के ऊपर का क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट हम देखेंगे। तो 90 से मेक और ब्रेक लेवल एंड 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 85 वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था। 85 आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक हो सकता है एंड टारगेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए 100 होगा, शॉर्ट टर्म के लिए 95 तो 98 ये स्टॉक जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करें, फंडामेंटली इसके जितने भी पीयर्स है उसमें सबसे अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ही अट्रैक्टिव है 10.27, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जहां पर जिनका प्राइस टू अर्निंग 23-24 का है एंड इसका आरओसीवी 5.59 है, दैट इज नॉट बैड एंड मार्केट कैप ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के ऊपर है। सो दिस इज वन माय फेवरेट बैंक। सो जिन लोगों का आईडीबीआई, फर्स्ट बैंक एंड फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करना हो वो कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छे। यहाँ पे बंदर में अगर आरबीएल से फालतू के हाइप क्रिएट करते हैं, इन बैंक्स में एसेट क्वालिटी खराब है, रिजल्ट खराब है, सो जितना ऊपर जाएगा करेक्शन भी आएगा एंड एक रेंज पे ट्रेड करेगा। लेकिन फेडरल बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, सो डेफिनेटली ये जब एक रेंज के ऊपर जाएगा सो इसमें हम अच्छा खासा बाइंग देंगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देगा। अगर हम स्टॉक के स्टैंडअलोन प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, सेप्टेंबर में जो प्रॉफिट है वो 460 करोड़ है वर्सेस 367 करोड़ एंड एनपीए जो है वो भी घटे 3.50 से 3.241, नेट एनपीए 1.23 से 1.12। सो डेफिनेटली एसेट क्वालिटी का सुधारना बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आने वाले टाइम वी होप ये एसेट क्वालिटी या बिलो 3 चला जाए एंड नेट एनपीए जो है वो 1 के नीचे चला जाएगा एंड नेट प्रॉफिट है वो 550 करोड़ तक आ जाएगा। सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर तक ये स्टॉक 120 के लेवल को भी टच करेगा ऐसा मेरा मानना है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को देखें वो 486 करोड़ वर्सेस 357 करोड़, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड। अगर हम स्टॉक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो लास्ट में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर्स के पास देर इज नो स्टेक, एफ आई के पास 25.92, डीआई का 42% एंड पब्लिक होल्डिंग 31%। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, जहाँ पे डीआई बहुत बुलिश है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत ज्यादा स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग भी अच्छा खासा 31.55, रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा बुलिश है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दिस बैंक इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड वन ऑफ माई फेवरेट बैंक। 85 में आपको लेना चाहिए था, सो अगर इस स्टॉक फिर से 85 की तरफ जाता है आपको बाय करना है 85 एंड 80 के रेंज पे। अभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, टारगेट 95 to 100 है एंड फॉर द लॉन्ग टर्म ये स्टॉक 120-150 की तरह भी जाने का पोटेंशियल रखते हैं। ये तो फेडरल बैंक को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।